मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। 16 नवंबर 1973 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के नंगनदला गांव में जन्म हुआ पुलेला गोपीचंद का। भारतीय बैडमिंटन के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनके मार्गदर्शन में देश को लगातार ओलंपिक खेलों में 2 पदक हासिल हुए हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना नेहवाल ने गोपीचंद के नेतृत्व में कांस्य पदक जीता था और इस बार रियो में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है। घर गिरवी रख के अकेडमी खोलने वाले पुलेला गोपीचंद, या फिर यूं कहूं बैडमिंटन के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में 10 रोचक बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, पुलेला गोपीचंद का जन्म 16 नवंबर 1973 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के नंगदला गांव में हुआ। 10 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलने की शुरुआत करने वाले गोपीचंद भारत के नामचीन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पुलेला गोपीचंद कभी बैडमिंटन नहीं खेलना चाहते थे, वो खेलना चाहते थे क्रिकेट, लेकिन बड़े भाई ने उनको बैडमिंटन का रैकेट थमा दिया। गोपीचंद 2001 में चीन के चेन होंग को फाइनल में 15-12, 15-6 से हराकर ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीत हासिल करके एक नया इतिहास रचने वाले खिलाड़ी थे और उस वक्त चीन के चेन होंग दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी थे। लंदन में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास उन्होंने रचा था। इससे पहले यह कारनामा सिर्फ स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण ने 1980 में किया था। गोपीचंद को 2001 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद चोटों के कारण उनके खेल पर बहुत प्रभाव पड़ा और फिर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेलना बंद कर दिया। इसके बाद गोपीचंद ने अपनी अकेडमी खोली और कोच के तौर पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का फैसला किया। गोपीचंद को अपनी अकेडमी शुरू करने के लिए घर तक को गिरवी रखना पड़ा था। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने गोपीचंद की एकेडमी बनाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने हार नहीं मानी। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया और आज उन्हीं के इस सपने को पूरा होने के बदौलत भारत की झोली में इतने सारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिनमें से 2 खिलाड़ियों ने तो ओलंपिक में पदक भी जीते हैं। गोपीचंद को साल 2005 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। सिर्फ साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ही नहीं, बल्कि श्रीकांत किदांबी, पी कश्यप, गुरुसाई दत्त, तरुण कोना जैसे भारतीय गोपीचंद के शिष्य रह चुके हैं और अभी तक हैं। गोपीचंद ने 5 जून 2002 को अपनी साथी ओलंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी लक्ष्मी से शादी की थी। ये कुछ वो फैक्ट हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक फैक्ट हर इंसान जानता है कि बैडमिंटन के गुरु द्रोणाचार्य गोपीचंद ने भारत को बहुत कुछ दिया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में भारत बैडमिंटन स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करेगा और बेहतर प्रदर्शन करेगा। तांबे चांदी के बाद गोल्ड लेकर भी आएगा। पीवी सिंधु को, साइना नेहवाल को, श्रीकांत कादम्बी को और अनेकों ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वन इंडिया पॉडकास्ट में इतना ही।